जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अथर साहब की वाइफ से ये सवाल है कि वो उन्हें ऐसा क्या खिलाकर भेजती हैं कि वो बड़े बड़े जुगादर को लाजवाब कर देते हैं। ओए ओए ऐसा क्या खिला के भेजती हैं बेटा, वो खुद ही बनाते हैं खुद ही खाते हैं। हाँ सही है, क्या कहती हूँ कोई ऐसी बात है। मेजोरिटी ऑफ टाइम जिस वक्त मैं कोई शो वगैरह कर रहा होता हूँ मैं भूखा ही होता हूँ, वहां पे जाके खाता हूँ। अच्छा फातिमा ये बताइए कि आपके जो पेरेंट्स हैं जो आप जिसको यानी कि जो इनका ससुराल है उनके साथ इनका सलूक कैसा होता है? अच्छा है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है जी, खुश होते हैं जब, बहुत खुश होते हैं। मेरी तो अम्मी इनकी नंबर वन फैन है। आपकी? मेरी अम्मी। आपकी वालदा बहुत फैन? मेरी अम्मी इनकी नंबर वन फैन है। और इनकी अम्मी भी आपकी फैन है? वो मेरी बहुत नंबर वन फैन है। ये है खबर, वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। इनकी फैमिली में से किसके आने पे सबसे ज्यादा खुश होती हैं आप? इनके भाई, इनके जो बड़े भाई, इनके बड़े भाई, वो उनसे साथ सब खुश होते हैं। और इनकी फैमिली में से किसके आने में सबसे ज्यादा खुश? सबसे आंटी हैं, अंकल हैं, इनके भाई हैं। आपने क्या महसूस किया जब सालियां और आपकी कजन जिद गिर्द हो तब ये ज्यादा खुश होते हैं या ये है कि जो मर्द होते हैं बहुत खुश होते हैं, खूब चहकते हैं फिर? नहीं मुझे तो हंसाते हैं ना सबको, हंसाते हैं। अच्छा हंसाते हैं सबको, अपना फनी साइड दिखाते हैं, फनी साइड दिखा रहे हैं। हाथ भी मैं देखता हूं। हां यस, हाथ भी देखते हैं। अच्छा तो खवातीन का हाथ ज्यादा देखते हैं जी? खवातीन जी जी जी, मर्दों को समझ ही नहीं आता। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है अथर काज़मी साहब, हमारे साथ मौजूद है फातिमा काज़मी। आप देख रहे हैं जबरदस्त, वेलकम बैक जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है फातिमा काज़मी साहिबा, हमारे साथ मौजूद है फातिमा काज़मी साहब के हस्बैंड अथर काज़मी साहब जी। नज़र आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि शाह साहब ये जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, काज़मी साहब की कुछ रिप्यूट अच्छी नहीं चल रही लगता है। नहीं, क्या मतलब है उसका? छेड़छाड़ कर रहे उन्होंने मतलब थले लगे हैं। क्यों भाई काजी साहब जवाब दे दीजिए, अगर ये तासुर जा रहा है तो। ये देखिए तासुर हर कोई अपना अपना कायम करता है। तो हमारा मैं तो कतन ये तासुर नहीं ले रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। पर हर कोई अपना अपना तासुर कायम कर सकता है, तो हो सकता है उनके जहन में ये तासुर है, पर ऐसी बात नहीं, मैं बड़ा सख्त था। बड़ा डर कोई नहीं है। सही बात, असल बात है ना कम्युनिकेशन है। अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे फिर आपके रिलेशनशिप क्या है फिर? ठीक है, बल्कि अच्छा है, आप उस बारे में ज़रूर बात कीजिए कि दोनों एक माशाल्लाह एक आप इतनी खूबसूरत कंपेटेबिलिटी नज़र आ रही है, चार बच्चे हैं माशाल्लाह, और 22-23 साल का सफ़र है। क्या यानी कि नौजवान जो जोड़े हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे आप दोनों के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए कौन सी दो तीन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मैं कहती हूँ सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। क्या ठीक है, अगर आपकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन हो, ऊपर नीचे सबके घर में होता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये कि तुम लाइव जा रहे हो तो कहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, नथिंग इज परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट हूँ ना ये परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और अप्स एंड डाउन्स हो आराम से। अप्स एंड डाउन को कैसे सेटल करते हैं आप लोग या कैसे करना चाहिए? कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन से अगर देखें हम दोनों गुस्से वाले, दोनों गुस्से वाले, ठीक है, एक में से तो किसी को चुप होना चाहिए। तो कौन चुप होता है? ये देख रहे हैं क्यों बैठे ने। ये किचन में चले जाते हैं खाना पकाने। बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। चढ़े ना तो मैं जो है हांडी भून देता हूं, नहीं बर्तन भी धो देता हूं। तो इसका मतलब है कि आप रोज खाना बनाते हैं। क्या है प्रोग्राम के अगले मतलब? जी हमारा सेगमेंट है गूंजो तो जाने, और इसमें हम अपने गेस्ट और सेलिब्रिटीज से बात करते हैं, रिडल्स होती हैं, और साथ ही साथ उनकी जहानत का इम्तिहान भी लिया जाता है। जी वैसे आज हमारा ख्याल में बड़े एहतियात से
रिडल्स जो है ना वो तैयार किए। अच्छा, हमें ये डर है कि आप दोनों फौरन जीत जाएंगे। हाँ, मुझे आपसे तो मुझे बहुत खौफ था। नहीं नहीं, ये इतने ज़हीन नहीं। पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा काजमी साहब, आपको एक बहुत बड़ा इंटरव्यू जो है वो मिला है, किसी भी जर्नलिस्ट का ड्रीम इंटरव्यू होता है, और वो बंदा जो है वो चला जाएगा अगले आधे घंटे में, और किसी मुखालिफ जर्नलिस्ट ने क्या किया है कि आपको एक जगह कैद कर दिया कि अथर काजमी जो है वो इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके। तो अब आपको फौरी तौर पे उस कमरे से निकलना है। तीन रस्ते हैं आपके पास और आप दोनों जवाब दे सकते हैं। यकीनन आप भी अपने हस्बैंड के करियर को ऊपर देखना चाहेंगी। एक दरवाज़ा आप खोलेंगे तो उस रस्ते में कुत्ते जो हैं, और खूंखार कुत्ते जो कि 5-6 दिन के भूखे हैं, ठीक है ना, और वो आप देख रहे हैं कि वो हैं। क्या आप इस रस्ते से गुजर के जा सकते हैं? दूसरे रस्ते में एक बॉम्ब है जो कि 5 मिनट में फट जाएगा, आप इस रस्ते से जाएंगे। और तीसरा दरवाज़ा आप खोलेंगे, तीसरा रास्ता अख्तियार करेंगे तो एक गार्ड है जिसके पास गन है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी सूरत में निकलने नहीं देगा। कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आप कि आप अपना जो ड्रीम इंटरव्यू है वो कर सकें? अच्छा, अब एक आदमी साहब की तरफ मैं बाद में आऊँगा, जिधर तुम लोग गाइड करो ना यार। देखिए जी, मेरे ख्याल से जो ये कुत्ते हैं ना, ये 5-6 दिन के भूखे हैं, ये भी हो सकता है कि बेहोश हो गए हों, है ना। बेहोश नहीं हुए। वैसे आपको चाहिए कि जो गार्ड वाला रास्ता है यहाँ से आप जाके वो यार शूट करने को तैयार बैठा है। नहीं, वो मांगने की 150 लाख ये लोग निकल। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन में ये महारत रखते हैं, तो उससे बातचीत करके उसका कहीं ना कहीं से मतलब काम डाउन नहीं चाहिए। आपने जहानत का सबूत तो दे दिया, अब हमारे भी आपको फंसाने का सबूत जो है ना वो मिल गया। तो आपने चैलेंज दे दिया आपने हमें, है ना। तो अभी ये डर था वैसे, मैंने ये कहा था, मैंने कहा काजमी साहब हैं ज़हीन आदमी, तो ये तो सेगमेंट मुकम्मल होना जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, ये तुम मेरी छेड़ते नहीं आपने, आपने छेड़ बनने नहीं दी यार, मरकम में इतनी देर में बम नहीं फटा जिससे पहले आपने बूझ लिया था। तो अब आप देखना है कि अब उसी आदमी ने, वही सारी कैफियत है, वही स्नैरियो है सारे का सारा, दोबारा उसने आपको कैद कर दिया। एक बारी तो आदमी साहब ने कर लिया इंटरव्यू, दूसरी बारी ना कर सकन ना। उसी ऐसा की कर बैठे बार बार कह दो ये प्लीज मुझे नाम बता दे ना जाने से पहले जो बार बार मुझे बंद कर रहा है। कोई एक हो तो मैं बताऊंगा। अच्छा जनाब, दोबारा उन्होंने बंद कर दिया आपको, और इस मरतबा उसने कुछ क्लूज जो है वो वहां पे दिए, और ये दरवाजा तब खुलेगा जब आप ये कोड जो है ये लगाएंगे, और इसी के अंदर जवाब जो है वो मौजूद है। अब आप क्या कोड लगाएंगे और इस क्लू को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि दरवाजा खुले और आप जाके इंटरव्यू कर सकें? सो व्हाट्स द पासवर्ड, क्या होना चाहिए? ये आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, हिंट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं। अच्छा, ये पासवर्ड कितने लफ्ज का होना चाहिए? हाँ, ये पासवर्ड कितने लफ्ज का होना चाहिए? चले मैं आपको बता देता हूँ, 4। चार ये आपको बता देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5th of March है, 1st of October है, 2nd of April है, 4th of April। क्या पासवर्ड होगा जिससे दरवाज़ा खुलेगा और काजमी साहब जाकर इंटरव्यू कर सकेंगे, जो पूरी दुनिया में, आप समझे मंडेला साहब तो हयात नहीं रहे, आपको उनका इंटरव्यू मिल गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। 5124 5124। कैसे नहीं? 5124 5124 नहीं है, बिल्कुल दे दें। हाँ बताइए जी।